अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं ना, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हेल्दी वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी। ये खिचड़ी खाने में हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बनती है, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू रिंकल्स किचन। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज हम वेट लॉस के लिए दलिया और दाल की खिचड़ी बनाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पे एक कटोरी भर के दलिया लिया है। ये दलिया खाने में हेल्दी होता है क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक कटोरी ग्रीन मूंग की दाल ले रही हूँ। आप यहाँ पे येलो मूंग की दाल की जगह ग्रीन दाल का ही यूज करें क्योंकि ग्रीन मूंग दाल में ना हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है और दोनों ही हमें ना वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करते हैं। अब हम दलिया और दाल को मिक्स करके अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। अब खिचड़ी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर हम सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल का यूज हमें इसमें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा सा सौते हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें पिंच ऑफ हींग डालेंगे और 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे। और ये मैंने ना एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही हम एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इनको ना हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है तो अब ना हम इसमें सारी सब्जियां मिलाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पे 1 कटोरी कटा हुआ गाजर लिया है, वो डालेंगे। आधी कटोरी कटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे और 1 कटोरी भर के मटर डालेंगे। और अब मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लिया है, वो भी मिला लेंगे। और अब इसको ना हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो दाल और दलिया को अच्छे से वॉश करके रखा है ना, वो सारा इसमें मिला लेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे। मसाले मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी मिलाएंगे। खिचड़ी को हमें थोड़ा सा ढीला रखना है, इसलिए हमें इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है। अब कुकर को बंद करके हमें इसे मीडियम आंच पे 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है। कुकर में से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसे खोलकर चेक करेंगे। और ये देखिए, हमारी एकदम हेल्दी और टेस्टी दलिया खिचड़ी बनके तैयार है। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस खिचड़ी को अपने ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। ये खिचड़ी हाई फाइबर और हाई प्रोटीन से भरपूर है और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी है। सब कुछ मिला के एक 1 पॉट मील बनेगा जो आपको वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करेगा। और आप इसे ना 5 मिनट में ही बना के तैयार कर सकते हो। और आप ये खिचड़ी ना एक बोल भर के खा सकते हो और इसके साथ आप दही या फिर छाछ भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हो और अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स भी इसमें मिला सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये दलिया खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वेट लॉस के लिए और भी हेल्दी रेसिपीज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आगे और भी हेल्दी रेसिपीज के वीडियोस बनाऊंगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।